तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लेकर के आया है जो कि ग्रीन एनर्जी में कामकाज करती हुई दिख रही है स्टॉक, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आने वाले टाइम में इनका और ही बहुत ज़्यादा स्कोप हो सकता है, क्योंकि ये जब ग्रीन एनर्जी पे काम करेगी तो डेफिनेटली फ्यूचर इन्हीं का है। प्रेजेंटली द कमिंग 6 इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अक्रॉस इन इंडिया, टोटल कैपेसिटी 4,560 मेगावाट ऑफ पावर। देखो, बार्मर लीजनेट से 1,080 मेगावाट, रतनगिरी कोल से 1,200 मेगावाट, और विजयनगर से कोल एंड गैस से 860 मेगावाट, और बासपा 2 से हाइड्रो 1,391 मेगावाट, और नदयाल थर्मल से 18 मेगावाट, और सोलर कैपेसिटी अक्रॉस लोकेशन से 10 मेगावाट। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब सोलर के ऊपर डिपेंड हो रही हैं। बहुत सारे जो जितने भी एनर्जी वाले सेक्टर हैं, मैक्सिमम लोग ट्राई यही कर रहे हैं कि सोलर के ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि आने वाले टाइम में एमिशन फ्री प्रोजेक्ट पे सारी दुनिया काम कर रही है। इस वजह से ये सभी भी लोग अभी यहाँ से 10 मेगावाट आ रहा है, बट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा मेगावाट आएगा। मैक्सिमम एनर्जी हाइड्रो और सोलर और विंड से किया जाएगा। लॉन्ग टर्म में पीपीए देख सकते हैं। प्रेजेंटली कंपनी लॉन्ग टर्म पीपीएस फॉर 81% ऑफ टोटल कैपेसिटी, वाइल द बैलेंस बिगनिंग सोल्ड ऑफ शॉर्ट टर्म मर्चेंट बेसिस आउट ऑफ टोटल कैपेसिटी अंडर लॉन्ग टर्म पीपीएस 98% अंडर टेक बाई एग्रीमेंट बैलेंस टू इन फिक्स चार्ज। मेगावाट ब्लेंड वाइंड एंड सोलर कैपेसिटी अवार्डेड बाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेट लिमिटेड PPA साइनिंग विद डिस्कॉम इन अवेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो 810 मेगावाट वाइंड और सोलर एनर्जी से लिया जाएगा। 240 मेगावाट कुथेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 35 साल लॉन्ग टर्म PPA इन अंडर फनलाइज विद हरियाणा डिस्कॉम्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन कॉमर्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है डैम वगैरह बना करके पानी को रोका जाता है, फिर पानी के थ्रू टर्बाइन को घुमाया जाता है। तो उससे क्या होता है ना, 1% की हमें पोल्यूशन हुआ। जब कोयला या गैस या कोई भी एनर्जी का स्रोत जलेगा नहीं तो धुआं उत्पन्न नहीं होगा, और धुआं नहीं होगा तो कार्बन नहीं फैलेगा, और उससे हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो इन चीज़ों पर काम कर रही है ये स्टॉक, डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है इस स्टॉक से, क्योंकि इनका इनका ही फ्यूचर है। अभी हर एक चीज़ को इम्यून मतलब इको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा रहा है। आस्ते आस्ते हमारे यहाँ कोल ख़त्म हो रही है, तो कोल अगर ख़त्म नहीं तो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होना होगा। तो इस वजह से सोलर वाइंड एनर्जी वाइंड का सोलर से ये तैयारी में लगी हुई, प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं सारी, और भी बहुत सारी कंपनी है जैसे रिलायंस हो गया, अडानी ग्रीन हो गए, इन्हीं चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो स्पेशल मैं आपके लिए ये स्टॉक लेकर के आऊँ, क्योंकि ये स्टॉक ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है इस्टेब्लिश होने की, क्योंकि फ्यूचर इसी पे है, ठीक है। अब इसका मार्केट कैप देख सकते हो 41,446 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 252 रुपये, हाई लगा चुका 369 का, लो है 182 का। स्टॉक भी 21 है, बुक वैल्यू भी 107 रुपये की है, और कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 0.79% का ROC है, 12% ROE है, 10% फेस वैल्यू 10 रुपये की है, और प्रमोटर के पास 74% की होल्डिंग है, डेट टू इक्विटी 0.64, एनुअल प्रॉफिट है 1743 करोड़ का।
डेब्ट है 11,252 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 10%, इंडस्ट्रीज पी 18%, EPS है 12 रुपये की, फ्री कैश फ्लो 658 करोड़ का है कंपनी के पास, प्लस परसेंटेज 13% है, यानी प्रमोटर की तरफ से 13% की होल्डिंग गिरवी रखा गया है। जो भी लोग सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी काम कर रही है, थोड़ा सा वहाँ क्या होता है, पहले पैसा ज़्यादा लगता है कि सोलर को सेटअप करने पे, और जब एक बार सेटअप हो जाएगा तो फिर पैसा आते रहेगा आते रहेगा। अब वहाँ तो कोई एनर्जी खर्च नहीं होने वाली है, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं खर्च होने वाला है, सिर्फ मेंटेनेंस जो लगेगा उसको लगेगा, तो इसलिए प्योर बचत वाला है, बजट वाला है, बचत करेगा ये, ठीक है। आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना करके देगी, दे सकता है ये स्टॉक। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी 6,000 ला करके देगी। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.0 सीजर ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज बीन मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट, 25% का हेल्थी डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है। तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर का स्टॉक है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, दिसंबर वाले क्वार्टर में 625 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सितंबर में 890 और जून में 1,022, मार्च में 1,132 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है स्टॉक। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक ₹39 के प्राइस में 1 अप्रैल 2020 को मिला करती थी, बट यहाँ से जिसने भी इस लेवल पे बाय किया होगा बहुत शानदार, यानी आपको 908% का रिटर्न कंपनी बना करके दे दी है दोस्तों। इतना ज़्यादा रिटर्न बना करके 916% का रिटर्न कंपनी ने बनाई है, तो जिसके भी पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, तो क्या वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक करेगा, कोई भी इंसान रहेगा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जीभ लपलपाएगा ही। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने जब उनके अकाउंट में हाई प्रॉफिट दिख रहा था, वो उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक किया, और इस वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ करेक्शन दिखलाई है, और आज 224 के प्राइस में मिल रहा है। ये स्टॉक कहाँ का हाई लगा चुका था, 406-407 रुपये का हाई लगा कर कि ये स्टॉक कहाँ आज है 252 रुपये के प्राइस में, ठीक। तो 37% का भी करेक्शन है स्टॉक अंदर, डिस्काउंट भी मिल रहा है, और वैसे ये स्टॉक एक 54% का करेक्शन हो चुका था इस स्टॉक के अंदर, और फिर आपको दोबारा ये स्टॉक कहाँ मिलेगा, दोबारा मिलेगा 225 के भाव में मिल सकता है, 44% नीचे, ठीक है। तो इस स्टॉक को यहाँ भी बाई करके चल सकते हो, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये स्टॉक 226-27 रुपये के प्राइस में मिले, तो मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल अपने सपोर्ट को फेस करते हुए ये स्टॉक इस तरह का एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और आपका टारगेट यही रहेगा इस बार
327 या फिर 308, 308 आपका टारगेट मान करके चलो, 303 आपका टारगेट है। तो इसी स्टॉक को यहाँ कहीं बाई करके चल सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ये स्टॉक चाहिए बाई करना है तो आप यहाँ पर 217 रुपये के प्राइस में बाई करके चल सकते हो। तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, मैं तो कहूँगा नीचे से नीचे वाले लेवल पे बाई करना चाहिए। और दोस्तों जब भी प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट में होगा ठीक है, जब भी आप के अकाउंट के अंदर मतलब पोर्टफोलियो के अंदर 100% की प्रॉफिट दे, सबसे पहला काम आपका अपना कैपिटल निकाल लेना है यार। मुझे 900% नहीं चाहिए, हमें हमना हमारा कैपिटल चाहिए। और जो प्रॉफिट बचे उसे छोड़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे उससे कोई ये नहीं है। इसमें प्लस पॉइंट क्या रहता है ना, आप जब ऐसे करते रहते हो, एक साइकिल बन जाता है, करते 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 बहुत अच्छा अमाउंट में बहुत सारे स्टॉक हो जाते हैं। और छोटे छोटे अमाउंट में जो डिविडेंड आते हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इसी चीज़ मतलब यही है, लोगों को शुरुआत नहीं समझ में आता, लेकिन ये प्रक्रिया करते करते जब एक टाइम आता है बहुत ज़्यादा आपके पास वो हो जाते हैं स्टॉक अच्छी क्वालिटी के, और डिविडेंड जब पे आउट करते बहुत अच्छा डिविडेंड आपको मिलने लगता है। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि अपना कैपिटल निकालो, उस कैपिटल को किसी और स्टॉक में हम लगा करके चल सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है, अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर के ही एंट्री करें।